नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों। आगामी एशियाई खेलों के लिए भारतीय कुश्ती टीम का ऐलान हो गया है। ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट दीपक पुनिया पुरुष रेसलिंग टीम की अगुवाई करेंगे। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम वर्ग में जीत कर एशियाई खेलों के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 2 दिन तक ट्रायल्स का आयोजन हुआ। बजरंग को ट्रायल्स में छूट मिली थी, जबकि टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया एशियाड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। वह ट्रायल्स में महाराष्ट्र के पहलवान से हार गए। जुलाई का महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक बिहार में अच्छी बारिश नहीं हुई है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां अभी तक 50% से भी कम बारिश हुई है। पिछले 3 दशकों की अगर हम बात करें तो खासकर जुलाई महीने में 112 मिलीमीटर कम औसतन बारिश घटी है। यही वजह है कि किसान सुखाड़ की समस्या से परेशान नजर आ रहे हैं। वायुसेना ने फ्रांसीसी फर्म डसॉल्ट एविएशन के सामने राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय हथियारों से लैस करने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ी कामयाबी हो सकती है, जिससे स्वदेशी हथियारों के लिए वैश्विक बाजार के रास्ते भी खुल सकते हैं। राफेल का उपयोग भारत के अलावे फ्रांस, मिस्र, कतर, ग्रीस, क्रोएशियाई, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया सहित कई अन्य देश करते हैं। इनमें से कई देशों ने राफेल विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। भारत ने चीन के मकाऊ में चल रही जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में रविवार को 3 स्वर्ण पदक सहित 5 पदक जीते हैं। महिला 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता डे ने स्वर्ण जीता, जबकि उन्नति शर्मा 63 किलोग्राम और अरुण कुमार 73 किलोग्राम भी स्वर्ण जीतने में सफल रहे। अस्मिता शुरुआती दौर में ग्रुप डी में शीर्ष पर रही हैं। उन्होंने हांगकांग के स्वेत यूई टेंग को हराया और मुख्य वर्ग के पहले दौर में उन्हें बाई मिली। उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की एस्लीन डो को हराने के बाद फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के ही एनालिस्ट फील्डर को पछाड़ कर स्वर्ण जीता। मिथिला के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। इसके जगह पर बंगाल का मखाना पैक हो रहा है। बड़े कारोबारी लोकल मखाना उत्पादकों के निबंधन नहीं होने का फायदा उठा रहे हैं। इस कारण लोकल किसानों की पूंजी व मेहनत बेकार जाने की बात कही जा रही है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क इसकी आइकॉनिक पहचान ब्लू बर्ड यानी ट्विटर के लोगों को ही बदल रहे हैं। कल एलन मस्क ने इसको लेकर ट्वीट किया और ट्विटर का लोगो बदलकर एक्स करने का ऐलान किया है। हालांकि एलन मस्क ने कल ही अपने ट्वीट्स के जरिए इस बात का भी ऐलान किया है कि ट्विटर के लोगों को बदलने के साथ ही इसके URL में भी कुछ बदलाव किया जाएगा। ट्विटर की वेबसाइट तक पहुँचने के लिए एलन मस्क ने नए लिंक की घोषणा की थी, जो काम कर रहा है। देश में श्री अन्न की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए बुआई क्षेत्र में भी तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है। इससे घरेलू जरूरतों को पूरा करने सहित श्री अन्न को निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की कोशिश है कि दुनिया में भारत का पहला स्थान हो। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ज्वार, बाजरा, रागी सहित दूसरे मोटे अनाज की 218 किस्में विकसित की हैं। बर्लिन में अनाथालय में रह रही 2 वर्षीय रिहा शाह की भारत वापसी के लिए जैन समुदाय ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित जर्मन वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में शामिल विक्रम बोहार ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय व विदेश मंत्रालय से तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया है। किसी भी बच्ची को उसकी माँ के प्यार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप इंटरनेट यूज़र हैं तो आपका जीमेल अकाउंट तो होगा ही। बिना जीमेल के आप गूगल का उपयोग नहीं कर सकते। अपटेक जाइंट गूगल ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार कंपनी ने बड़े नंबर में अकाउंट बंद करने का फैसला किया है। कंपनी के अनुसार अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया है तो कंपनी आपके अकाउंट को बंद कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो आपके जीमेल ड्राइव, कैलेंडर, वॉइस असिस्टेंट, यूट्यूब और फोटोज़ जैसी गूगल सर्विस पर ताला लग जाएगा और आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता मदन दास देवी का सोमवार सुबह निधन हो गया। मदन दास देवी 81 साल के थे। उन्होंने बेंगलुरु के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। संघ के नेता मदन दास देवी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया और उनके साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ASI के सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि ASI के आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई और ना ही इसकी कोई योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के काम को 2-3 दिन टालने की मांग की है। देश भर में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF राज्य में जारी अशांति के बीच मणिपुर में के इम्फाल हवाई अड्डे पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा है कि सभी बैंकों, चाहे सार्वजनिक हो या निजी, को RBI के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि वे छूटी हुई ऋण किस्तों के भुगतान के मुद्दे पर गरीब किसानों के साथ मानवीय और संवेदनशील तरीके से निपटें।
बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल रविवार को रक्सौल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की ओर से तटबंधों के निर्माण पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। संजय जायसवाल ने दावा करते हुए कहा है कि 7,000 करोड़ रुपए खर्च के बाद महज 70 एकड़ खेती भी बाढ़ से नहीं बचा सकता है। राशि से बांध निर्माण के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। बिहार सरकार केंद्र के द्वारा दी जा रही राशि का सही उपयोग नहीं कर रही है। केंद्र यहां के लोगों की सुविधा के लिए पैसे दे रही है और सरकार घोटाला करने में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। मंदिर में स्थापित होने वाले मूर्तियों को बनाने का काम आखिरी दौर में चल रहा है। इस 3 मंजिल मंदिर के निर्माण पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। रविवार को एक अहम बैठक हुई जिसमें मंदिर के बनकर तैयार होने की तारीखों पर चर्चा की गई है। मच्छरों के खिलाफ अब थर्मल फॉगिंग के बजाय कोल्ड फॉगिंग की जाएगी। थर्मल विधि में डीजल में कीटनाशक मिलाकर फॉगिंग की जाती थी, जबकि कोल्ड फॉगिंग में पानी में कीटनाशक मिलाकर स्प्रे किया जाएगा। अभी नगर निगम फॉगिंग पर सालाना करीब 8 से 10 करोड़ रुपये खर्च करता है। इसमें 5 करोड़ रुपये तो फॉगिंग में काम आने वाले डीजल पर खर्च हो जाते हैं, पर पानी में कीटनाशक मिलाए जाने से न केवल डीजल का पैसा बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। कोल्ड फॉगिंग के लिए नई खरीदने के बजाय 10 पुरानी मशीनों में तकनीकी बदलाव किए जाएंगे। बीते दिनों यमुना के बढ़ते जलस्तर के बाद राजस्थानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी प्रवेश करने के कारण पानी सप्लाई सेवा भी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट का खतरा मंडराने लगा था। अब दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा दावा किया गया है कि बढ़ते जलस्तर और बाढ़ जैसे हालात के बाद भी दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास जल जमाव नहीं हो सकेगा और बिना किसी रुकावट के पानी सप्लाई जारी रहेगी। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन ही की शुरुआत भी हंगामेदार रही है। सत्र के 2 दिन पहले ही मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। इस बीच आज भी विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा। विपक्ष जहां पीएम मोदी के दोनों सदनों में बयान देने की मांग पर रहा है, वहीं सरकार मामले में चर्चा करने की अपील कर रही है। इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति ने आप सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। 19 जुलाई 2023 को पटना में हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं में लाठीचार्ज के मामले में जमकर सियासत हो रही है। ताजा मामले में बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पीएमसीएच के अधीक्षक को एक पत्र लिखा। उन्होंने दिवंगत बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी कॉपी की मांग की है। पत्र में सम्राट चौधरी ने लिखा है कि 13 जुलाई को बीजेपी द्वारा पटना में शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा बिना किसी कारण के लाठीचार्ज कर दिया गया और इसमें जहानाबाद के बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह पर भी लाठीचार्ज किया गया और उनकी मौत हो गई। सबका पोस्टमार्टम पीएमसीएच में किया गया, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरा विवरण और वीडियोग्राफी हमें दी जाए। मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आपस में भिड़ रहे हैं। मैतेई अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं, जबकि कुकी और नगा समुदाय इसके विरोध में है। कुकी और मैतेई के बीच हिंसा की वजह यही है। मिजोरम के उग्रवादी समूहों ने मैतेई लोगों को राज्य छोड़कर जाने की धमकी दी है। इसके बाद से मिजोरम में भी हाई अलर्ट, रविवार को 78 और शनिवार को 65 लोग मिजोरम से मणिपुर लौट आए। इतना ही नहीं, मैतेई समुदाय से जुड़े 41 लोग असम के कछार जिले में पहुंचे हैं। चावल को लेकर भारत में बड़ी खबर सामने आई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा खरीफ सीजन में पिछले साल के समान अवधि में 3% का इजाफा देखने को मिला है। खास बात यह कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नॉन बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर चावल के दाम में इजाफा देखने को मिला। अमेरिका की दुकानों के बाहर चावल लेने के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं दूसरी ओर दलहन को लेकर थोड़ी निराशा भरी खबर देखने को मिली है। दलहन का रकबा पिछले साल के समान अवधि में 10% रकबा कम हुआ है। राज्यसभा से पूरे मानसून सत्र के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निलंबन पर सौरभ भारद्वाज के बाद अब सांसद राघव चड्ढा का भी बयान सामने आया है। अब सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सदन से निलंबित कर दिया। यह सही नहीं है, यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय वह धरती के चारों तरफ 273 × 71,351 किलोमीटर के अंडाकार कक्ष में चक्कर लगा रहा है। कल यानी 25 जुलाई 2023 के दोपहर से 2 से 3 बजे के बीच अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग होगी। तब इसकी एपोजी 71,351 किलोमीटर से बढ़ाकर 1,00,000 किलोमीटर के आसपास की जाएगी। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक ही जगह से 5 ट्रेनों को अलग अलग रेलवे लाइन पर निकलते देखा जा सकता है। इसमें एक लोकल ट्रेन, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 2 मालगाड़ी को एक साथ अलग अगल बगल वाले ट्रैक पर देखा जा सकता है। वीडियो में यह नज़ारा देखते ही बन रहा है। केंद्रीय मंत्री ने इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया है, भारत की लाइफ लाइन भारतीय रेलवे, नए भारत की नई रेल यात्रा माल ढुलाई और परिवहन में जीवंतता जोड़ती है।
प्रचंड तापमान की वजह से विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की गई और दुनिया के कई हिस्सों में लगी जंगल की आग ने स्थिति को और विकराल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा सिर्फ जमीन पर ही नहीं है कि पारा बढ़ गया है, बल्कि समुद्र में भी लू चल रहा है जिसने जलीय जानवरों को उबाल कर मारना शुरू कर दिया है। समुद्र के अंदर से पानी का जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो खतरनाक है और दिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग अब कितना खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौसाद अंसारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, बारिश के मौसम में मच्छर से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है तो मच्छर से बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।